यहाँ पे मैं पिंग करने जा रहा हूँ एक आईपी से इधर. योर फर्स्ट पैकेट विल बी फेल्ड. देखना आप यहाँ से आपका पहला पैकेट फेल होगा, लेकिन क्यों होगा वो चेक करते हैं. ये देखो पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है, बाकी के पैकेट सक्सेसफुल आए हैं. बट जब दोबारा पिंग आप करोगे इसमें तो ये पैकेट आपके सक्सेसफुल जा रहे हैं. तो ये अभी मैं बताऊंगा क्यों फेल हुआ था. लेकिन आपका पिंग का मतलब क्या है कि यूजर यहां से लेके फेसबुक के सर्वर पर क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी चेक कर रहा है. कनेक्टिविटी चेक हो रही है पिंग कमांड से. लेकिन पिंग कमांड से कनेक्टिविटी चेक हो गई है कि पिंग हो गया. मान लो आपने ये देखना है कि रास्ते में कितने राउटर से गुजर के वो जा रहा है, तो आपने यहां पे पिंग की जगह कमांड लगानी है ट्रेस आरटी 200003. आई थिंक इसमें ट्रेस रूट लगेगी, टी आर ए सी ई आर टी. हाँ ट्रेसर. ये देखो अरे आपने कुछ खोला है क्या सर? मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने सर, वो प्रोजेक्ट ही दिख रहा है उस जो आपने कंप्यूटर में जो आता वो तो दिख नहीं रहा है. ओके ओके वेट वेट जस्ट वेट 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 सॉरी मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं. मैं कर रहा हूं पिंग, यहाँ पे किया ही हुआ ऑलरेडी पिंग 200003. जब मैंने फर्स्ट टाइम पिंग किया था तो मैंने ये बोला था दिस इज रिक्वेस्ट टाइम आउट. ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ये आर्प के कारण आता है. आर्प प्रोटोकॉल होता है हमारा, एक नोटपैड पे बता देता हूं. दिस इज ड्यू टू आर्प. आर्प होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. और आर्प प्रोटोकॉल का काम होता है आईपी टू मैक एड्रेस रिजॉल्व करवाना. तो फर्स्ट टाइम जब आईपी टू मैक रिजॉल्व होता है, व्हेन फर्स्ट टाइम इट डू द प्रोसेस विद स्विच एंड राउटर, तो उसको टाइम लग जाता है पैकेट ढूंढने के लिए. तो पहला पैकेट फेल होता है ड्यू टू आर्प. अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पैकेट इज फेल्ड ड्यू टू आर्प कि क्यों फेल होता है, तो आप आर्प बताओगे. उसके बाद आप चेक करोगे कि ये पास हो चुका है. बट अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि यहां से यहां तक कितनी हो पा रही है रास्ते में, तो कमांड लगेगी ट्रेस रूट. तो कभी भी सीसीएनए हो, सीसीएनपी हो, कोई भी प्रोफेशनल लेवल हो, आपसे पाथ ट्रेस करने को कहा जाए तो आपने यही लगाना है. ये देखो तो ये बता रहा है कि चार तीन जगह से होके गुजर के जा रहा है. ये पहला पैकेट आपका गया 210001. 210001 मस्ट बी द गेटवे ऑफ दिस राउटर. ये देखो यू कैन चेक, ये इसका गेटवे है 210001. सेकंड नंबर राउटर इज दिस वन. तो इसका जो आईपी होगा सीरियल 011 पे वो है 192.168.1.33. दिस वन मीन्स सेकेंड राउटर जिसको इसने पास किया है. थर्ड राउटर इज दिस राउटर 192.168.1.29 और दिस इज योर फेसबुक. सो इट शोज द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, रास्ते में कितनी हो पा रही है. नाउ ओके ओरिजिनली आई एम गोइंग टू ट्रेस रूट ओरिजिनल ओरिजिनल फेसबुक. आई एम गोइंग फॉर सीएमडी TRACERTFB.com. ये ओरिजिनल है, दिस प्रोसेस इज ओरिजिनल. मैं अपने लैपटॉप पे जो इंटरनेट कनेक्ट हुआ है ना अपने लैपटॉप पे उसके हिसाब से कर रहा हूं. नाउ उसमें IPv4 आ रहा है, यहां पे IPv6 आ रहा है. देखो IPv4 और IPv6 का क्या कॉन्सेप्ट है. मैं जो इंटरनेट यूज कर रहा हूं इस टाइम पे अपने हॉटस्पॉट, वो जो हॉटस्पॉट है वो IPv6 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए IPv6 के थ्रू दिखा रहा है. सो इन ओरिजिनल अगर आप ट्रेस रूट फेसबुक के लिए करते हैं तो वो 10 होप शो कर रहे हैं. बीच में जो स्टार आ रहा है ये आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट है, मतलब कनेक्शन ब्रेक हो रहा है.
तो 10 राउटर के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वर पड़ा है जी facebook.com का. सिमिलरली यू कैन ट्रेस ओरिजिनली google.com. तो आप चेक कर सकते हो जी, पहला ट्रेस जो हो रहा है वो यहाँ पे मेरे गेटवे का हो रहा है. यहाँ पे तो इंटरनेट स्लो हो जाता है कभी, या फिर होप तक नहीं पहुंच पाता तो स्टार आ जाता है. सर ये जो दूसरा पैकेट फेल हुआ है सर, ये आर्प एंट्री के कारण फेल हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आर्प के कारण. एक्चुअली ये देखो, फेसबुक या fb.com जो भी चला रहे हैं, चल रहा है. ये मेरा फेसबुक है, ओरिजिनल फेसबुक, ठीक है. तो इस ओरिजिनल फेसबुक के अंदर ये चीज क्यों आ रही है यहां पे? क्योंकि ये इंटरनेट के कारण या होप के कारण आती है प्रॉब्लम. और जो प्रॉब्लम ये है यहां पे, मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपको दिखाई थी, है दिस इज डिफरेंट प्रॉब्लम. ये आर्प के कारण पहला पैकेट फेल होता है, ये जो ये फेल हुआ था. तो हो सकता है यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है ओरिजिनल में वो स्पीड के कारण आ रही हो, तो ऐसा हो जाता है. तो मेरा मेन मोटिव है, आई जस्ट वांट टू शो यू कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पिंग करोगे पहला पैकेट फेल होगा, जब आपकी राउटिंग कॉन्फ़िगर होती है. अब तो बहुत बार चला चुका हूं मैं इंटरनेट अपना, तो ये तीन चीजें बताई मैंने आपको. एक तो आर्प बताया, एक पिंग बताया, एक ट्रेस रूट बताया. एक्चुअली राउटर पे व्हेन यू विल वर्क ऑन राउटर तो आपको लगाना पड़ता है ट्रेस रूट, लेकिन जब आप वर्क करते हो पीसी पे तब आपका लगेगा ट्रेस आरटी. तो ट्रेस आरटी, ट्रेस रूट पीसी के लिए. उसके बाद नाउ वन मोर थिंग, द वैल्यू टीटीएल वैल्यू. कोई बताएगा यहां पे टीटीएल क्या होता है? व्हाट इज टीटीएल? कोई बताना चाहता है व्हाट इज टीटीएल? कर दी. जब TTL किसी पीसी के लिए करते हो या फिर सर्वर के लिए करते हो, मान लो रास्ते में चार होप आई हैं, तो पहला TTL वैल्यू 128 होता है, दूसरे के लिए 27, तीसरे के लिए 126, चौथे के लिए 125. पीसी सर्वर के लिए ये 128 से काउंट करता है, लेकिन जब आप किसी राउटर के लिए करते हो तो उसकी TTL वैल्यू 255 में से माइनस होगी. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप यहां से पिंग करना चाहते हो, दे वन है, टू है, थ्री, फोर, इस राउटर को करना चाहते हो 192.22 PING 192.168.1.22. चेक द TTL वैल्यू. TTL वैल्यू इज 252. व्हाई? नाउ यू कैन चेक 255. 4, 3, 2. मतलब पहली बार TTL वैल्यू 255, 254, 53 और 52. चार होप आ रही है इसमें भी, ये इसको चेक करने के लिए. ठीक है ना, TTL वैल्यू आपका टाइम टू लिव वैल्यू है, ये बताने के लिए कितनी देर तक आपका जो ये, आपको मैंने इस पे भी बताया गूगल पे, ठीक है. TTL वैल्यू आपका मैकेनिज्म है, कितना लाइफ टाइम आपका डेटा चलता है. तो राउटर के केस में आपको ये वैल्यू मिलती है, राउटर के केस में ये वैल्यू 255 के लिए मिलती है, और पीसी के केस में 128, ताकि हमें डिफरेंस पता चलता रहे इसका.